एक बार एक सज्जन संत के पास गए और उस संत महोदय से बोले कि महाराज, आपके प्रवचन में, आपके सत्संग में अब ऐसे लोग आने लगे हैं जो दुर्व्यसनी है, गलत गलत कार्य करते हैं और वो भी आपके सत्संग में आते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें नहीं आना चाहिए। संत महोदय बोले कि अगर बीमार कोई है और वो अस्पताल में नहीं जाएगा तो फिर कैसे ठीक होगा? सत्संग तो इन दुर्व्यसनी व्यक्तियों के लिए एक अस्पताल का कार्य करता है, तो आप उनको कैसे रोकोगे? कभी-कभी तो खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, और आपके और हमारे प्रयास से यदि वह अपना दुर्व्यसन छोड़ दे, उस सत्संग से वह दुर्व्यसन छोड़ दे, तो इससे अच्छा और क्या सत्संग हो सकता है? एक बार को जो सद्व्यवहार रखते हैं, सदाचरण रखते हैं, वो आए या ना आए, लेकिन सत्संग में वही आए जो राह से भटके हुए लोग हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठशाला भी एक सत्संग की भांति है। आपके अंदर जो भी दुर्व्यसन है वो यहाँ छोड़े जा सकते हैं और यहाँ से सही राह आपको मिल सकती है। इसलिए आप लोगों को भी अगर कोई ऐसा आपको मिल जाए कि आपके सत्संग से उसमें अच्छे विचार आने लगे और वह भी एक अच्छा और सच्चा, एक नेक इंसान बन जाए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच।